हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको यूनिवर्सिटी पर चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको स्पोर्ट एंड फिजिकल एनवायरमेंटल आप किसी भी कोर्स में किसी भी रिजल्ट में आपका नोट क्लियर है, मैं इस वीडियो में आपको लाइव बताऊंगा इसका सॉल्यूशन क्या है। अगर आपके रिजल्ट में नोट क्लियर है, आप किसी भी कोर्स के स्टूडेंट है और आपके किसी भी ईयर के रिजल्ट में नोट क्लियर आ रहा है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, किसी भी रिजल्ट में आपका नोट क्लियर है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं इस वीडियो में नोट क्लियर का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं, इस रिजल्ट में नोट क्लियर दिया गया। बीए फाइनल ईयर का रिजल्ट है 2022 का। आप चाहे 2022 के रिजल्ट में हैं, चाहे 2023 के रिजल्ट में हैं, चाहे आप 2021 के रिजल्ट में हैं, आप किसी भी रिजल्ट में नोट क्लियर है आपका, या आपका यहाँ पर इन्वायरमेंटल क्यों ना हो या आपका स्पोर्ट एंड फिजिकल क्यों ना हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्वायरमेंटल साइंस दिया गया है, नोट क्लियर। इस वीडियो में आपका इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विद्यालय की मुख्य परीक्षा 2023 की स्नातक स्तर पर बीए बीएससी बीकॉम एवं परास्नातक स्तर पर एमएमएससी एमकॉम परीक्षा सुधार परीक्षा एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम वार्षिकीय के स्नातक स्तर पर बीएससी गृह विज्ञान कंप्यूटर साइंस बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी ऑनर्स बीकॉम, यानी कि जितने भी परास्नातक स्नातक के कोर्स के छात्र हैं 2023 वाले या 2022 वाले, 2022 से पूर्व वर्षों के स्नातक स्तर पर खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा यानी कि पर्यावरण और स्पोर्ट एंड फिजिकल वाले छात्र अगर रिजल्ट में नोट क्लियर है, तो छात्र परीक्षा सुधार परीक्षा के आवेदन पत्र 15/9/2023 से विद्यालय की वेबसाइट पर भरे जाएंगे। वेबसाइट का नाम दिया गया www.mgpru.in/online-examination-form एवं https://mgpru.iumh.in पर भरे जाएंगे, उपलब्ध होंगे 15/9 से। आप अपना फॉर्म 15/9 से भर सकते हैं। परीक्षा फॉर्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर 15/9/2023 से भरे जाएंगे। अंतिम तिथि यहाँ पर दी गई 25/9। अगर आपके रिजल्ट में नोट क्लियर है, चाहे आप 2023 के स्टूडेंट हैं या 2022 के, 2021 के, इससे पहले के भी आप हैं, अगर आपके रिजल्ट में नोट क्लियर हैं, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरेंगे। आप इस फॉर्म को बिल्कुल भी ना छोड़ें, नहीं तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। ये कहने का मतलब होता है स्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल में नोट क्लियर नहीं होना चाहिए, तो आप इसका फॉर्म भरें और इस पेपर को क्लियर कर दें। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।